हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसा रेसिपी बनाने वाली हूँ जो बिल्कुल 10 से 15 मिनट में बन जाएगा और ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट है। तो आज मैं बना रही हूँ ओट्स और बेसन का चीला, जो आप बिल्कुल 10 से 15 मिनट में बना सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्दी है। ओट्स और बेसन का चीला बनाने के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। इसके लिए हमें चाहिए बेसन 1 कप, जिसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 कप पानी और इसका अच्छे से घोल बना लूँगी। और इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें गुठलियाँ नहीं रहना चाहिए, तो आप चाहे तो हाथ से भी इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए साइड में रख लेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1/2 कप ओट्स। 1/2 कप ओट्स ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1/4 कप दही, जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप दही ऐड कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब मैं ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और तब तक आप इसे साइड में रख लें और वेजिटेबल्स कट कर ले। वेजिटेबल्स में हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐड करने वाले हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होने वाला है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ टमाटर, गाजर, कैप्सिकम, प्याज, मिर्ची और मैं यहाँ पे करी लीव्स भी ऐड कर रही हूँ, जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है। और अगर आप कम वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं तो सिर्फ प्याज टमाटर ऐड करें, बहुत अच्छा लगेगा खाने में। अगर आपने अब तक ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया तो ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे हमने सारे वेजिटेबल्स डाल दिया है इस घोल में। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पे ऐड करूँगी थोड़े मसाले ताकि ये चटाकेदार हो जाए। तो मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर ऐड कर रही हूँ और मैं यहाँ पे ऐड करूँगी जीरा पाउडर और चाट मसाला स्वाद अनुसार। मैं यहाँ पे ऐड करूँगी नमक भी स्वाद अनुसार ताकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगे और टेस्टी लगे। अब ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद जैसे कि हम चीला बना रहे हैं तो कंसिस्टेंसी के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे 1/2 कप पानी और ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी के लिए बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं बेसन और ओट्स का, और आप बहुत सारा भी बना सकते हैं। अब करना है हमें तवे को गरम, तो मैंने यहाँ पे तवा चढ़ा दिया है जो कि गरम हो चुका है। मैं इसमें ऐड करूँगी वेजिटेबल ऑयल, अगर आप चाहे तो ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे मैं चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी और उसके बाद बेसन और ओट्स के बैटर को मैं इसके ऊपर डालूँगी। यहाँ पे हमें फ्लेम को मीडियम रखना है और जैसे ही एक तरफ से ये अच्छे से पक जाए उसके बाद हम इसे पलट के दूसरे साइड से भी पका लेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप मॉर्निंग में बिल्कुल 10 मिनट में बना सकते हैं। अगर आपको अपने बच्चों को या हस्बैंड को टिफ़िन में देना है तो आप लंच बॉक्स में भी पैक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी लगेगा। आप चाहे तो इसे रख के बाद में भी खा सकते हैं, बस थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा, बस इतना ही है। और ये बहुत ज़्यादा टमी फुल कर देता है, इसे आप अगर 2 भी खाएंगे तो ये मोर देन एनफ होगा। आप इसे घर पे बना के देखिए और ढेर सारे कमेंट कीजिए। वैसे आपको इस रेसिपी में क्या क्या चेंजेस करना है वो भी आप बता सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक साइड से ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, अब मैं दूसरे साइड से भी इसे अच्छे से पका ली। अब हमारा ओट्स और बेसन का चीला परफेक्टली बनके तैयार हो गया है। मैं यहाँ पे इसे सर्व कर रही हूँ सॉस के साथ, आप चाहे तो हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं या दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे फाइनली सर्व कर दी, अब मेरे से वेट नहीं हो रहा, मैं जा रही हूँ खाने। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मेरे अकाउंट में ऐसे बहुत सारे हेल्दी और टेस्टी डिशेस हैं, जल्दी जाके चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन बी सेफ, बाय बाय।